एनआरसी भी नहीं चलेगा और बेरोजगारी भी नहीं चलेगी, एनपीआर भी नहीं चलेगा तो महंगाई भी नहीं चलेगी, सीएए नहीं चलेगा तो भुखमरी भी नहीं चलेगी। नहीं हम लोग जाएंगे, एनआरसी को हटाना होगा तो हटाना होगा, चाहे किसी हाल में वो हटाए, नहीं हटाएगा हम लोग आकर गोली मार दे। महंगाई वापस लो, वापस लो, वापस लो, एनपीआर वापस लो, वापस लो, वापस लो। हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में जन्म हुआ तो हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चा बच्चा लेके। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूँ वसीम खान। वामपंथी दलों के द्वारा आज भारत बंद बुलाया गया है, उसके समर्थन में जन अधिकार पार्टी भी उतरी है सड़कों पर। आप देख सकते हैं ये नज़ारा जो है, ये डाक बंगला चौराहे का नज़ारा है और यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी यहाँ पहुँचे हैं और गोलबंद होकर यहाँ देख सकते हैं यातायात को बाधित कर दिया गया है। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर लेट कर सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। देख सकते हैं कार्यकर्ता जो हैं वो किस तरीके से बसों पर चढ़कर और जन अधिकार पार्टी का झंडा लेकर जो है विरोध जाहिर कर रहे हैं, और देख सकते हैं किस तरीके से जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बसों की शीशों पर मार रहे हैं। इनसे बात करेंगे, आखिर कब तक आप लोग इसी तरह विरोध करेंगे? जब तक दो व्यक्ति चौकीदार और तारीपार से इस देश के व्यक्ति को आज़ादी नहीं मिलता उस टाइम तक हम लोग सड़कों पर रहेंगे। इसके लिए हम लोग को कुछ भी करना हो मरना पड़ेगा, भी मरेंगे। बसों पर डंडा चलाना कितना सही समझते हैं? बसों पर नहीं, ये जनता के हित के लिए हम लोग सड़क पर है, जनता हम लोग के साथ में है। देखिए आप सड़क पर जनता कितने हम लोग के समर्थक है। हजारों की संख्या में जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज सड़कों पर हैं और कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर कब तक कि वो इसी तरीके से पटना के सड़कों पर उतरेंगे और अपना विरोध सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जाहिर करते रहेंगे। कब तक इसी तरीके से सड़कों पर? जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता है ये निकम्मी सरकार के खिलाफ, जब तक यहाँ पे बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, महंगाई पे बात नहीं होगी, जीडीपी पे बात नहीं होगी, तब तक हम लोगों की लड़ाई चालू रहेगी और आर पार की लड़ाई हम लोगों के अंतिम सांस तक हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए ये सबसे बड़ी आवाम की लड़ाई है और ये देश वसुधैव कुटुंबकम की है, सर्वधर्म संभाव की देश है। इस देश में जिस प्रकार बीजेपी द्वारा नफरत की राजनीति हमेशा से धर्म मजहब के नाम पे होती है, उसके खिलाफ आज देखिए पूरा बिहार खड़ा है, कि बिहार के साथ साथ पूरा देश खड़ा है। और हम लोग इस बिल को जब तक वापस भारत सरकार नहीं लेती है हम लोग क्रमबद्ध इसी प्रकार भारत बंद करते रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये बिल वापस नहीं ले लिया जाता है। और कुछ जो यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता पहुँचे हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसी तरीके से सड़कों पर आखिर कब तक वो बैठे रहेंगे, कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे। महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँची हैं जन अधिकार पार्टी की, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी उनकी भी राय आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। लगातार हम दिखा रहे हैं, हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन को तैनात कर दिया गया है क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है और यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके से यातायात जो है वो बाधित हो गया, उसको लेकर डंडा बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। काफ़ी संख्या में डंडा बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। महिलाएं जो यहाँ पर बैठी है उनसे बात करेंगे आखिर कब तक इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। जब तक लिए नाचे नहीं हटेंगे जब तक हम लोग इस पर रहेंगे, तब तक रहेंगे। खून छोड़ देंगे, प्यार छोड़ देंगे, उसके हटाने के लिए हम जो करेंगे नहीं हटाएंगे, वहीं पर रहेंगे। जो महंगाई कम कर लो, आप बताइए आखिर कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे? जब तक सीए ये कानून वापस नहीं हो, तब तक करते रहेंगे। यस, महिलाएं करती रहेंगी, ये संविधान के लिए पूरा हिंदुस्तान का वक्त है, ये दो संविधान है। आपका उम्र इतना हो गया चाची, आप भी प्रदर्शन में आई है, क्या कहें? ये सत्य है, उनके बाल बच्चे हैं, बाल बच्चे के लिए देखना, बाल बच्चे के लिए जीना है। और वो क्या कहेंगे, खुद के लिए आए हैं लोग, जनता के लिए आए हैं, और किस लिए आएंगे? अभी एनआरसी वापस चले, हम लोग घर से निकलने वाली औरत नहीं है, लेकिन पहली बार निकले, हम लोग के पास कागजात भी है, यहाँ न दे सकते हैं सब कुछ, लेकिन बाकी लोग का क्या होगा? पूरे हिंदुस्तान की बात है, खाली हम आपकी बात नहीं है, हम आप लड़ रहे हैं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं, आप अपने लिए लड़ रहे हैं,
सब लोग अपने लगे मोदी कहाँ बैठा है नहीं हम लोग जाएंगे एनआरसी उसको हटाना होगा तो हटाना होगा चाहे किसी हाल में वो हटाए नहीं हटाएगा हम लोग आकर गोली मार दे लेकिन नहीं हटेंगे और भी वक्त आएगा एक महीना रोजा रखते हैं साल भर रोजा रखेंगे 10 साल लेकिन रखेंगे और अपने हक वापस लेकर रहेंगे कभी नहीं हटेंगे बस यही कहना चाहते हैं। आप बताएं आप यहां क्यों पहुंचे? महंगाई तो हटना चाहिए बेटा समझिए जो हो रहा है नाजायज हो रहा है हम लोग नाजायज बतूल पर नहीं है ये हटना चाहिए हम लोग को मार दे वो बेहतर है लेकिन ऐसी महंगाई ऐसा जुल्म हम लोग को नहीं कर जुल्म नहीं सहेंगे। आप बताइए आप क्यों पहुंचे हैं यहां पे? हम इसलिए जुलूस में आए हैं कि जब से एनआरसी शुरू हुआ हमारे घर की बहू बेटी कभी बाहर नहीं निकली और उसके बाद जब दहशत से इन लोग बाहर निकली है ये एनआरसी ऐसा क्यों लागू हुआ? हम लोग के दादा परदादा छरदादा में ये काम नहीं हुआ था जो आज कानून ने ये फैसला लिया है। अब बताइए हम लोग हिंदुस्तान में हैं हिंदुस्तान में जन्म हुआ तो हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चा बच्चा लेके दहशत में पड़ चुका बेटा आप भी बताइए ये एनआरसी लागू नहीं होने दिया जाए हम लोग यही चाहते कि सुकून की जिंदगी जिया जाए। दहशत में है ऐसा ये कह रही है कि दहशत में वो जी रही है एनआरसी लागू ना हो देश में और जो जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं इनका कहना है कि आगे भी इसी तरीके से करते रहेंगे अगर ये कानून सीए एनआरसी और एनपीआर का अगर वापस नहीं लिया जाए। अब देख सकते हैं डंडा बल तो यहाँ तैनात है मगर उसके बावजूद जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो है वो वाहनों को रोक रहे हैं और आप देखिए तस्वीरें जो है ये डाकबंगला चौराहा की है आप देख सकते हैं वाहनों को किस तरीके से रोका जा रहा है और ये देखिए ये पटना पुलिस के डंडा बल काफ़ी संख्या में यहाँ पर तैनात है और उसके बावजूद देखिए यहाँ का दृश्य हम आपको तमाम दृश्य लगातार अपडेट करेंगे। नारेबाजियाँ तो चल ही रही है साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उन्होंने भी साफ किया कि जब तक ये सीए एनआरसी और एनपीआर का कानून है वो वापस नहीं लिया जाएगा तब तक इसी तरीके से वो सड़कों पर उतरते रहेंगे विरोध जाहिर करते रहेंगे और जिस तरीके से उन्होंने बात करते हुए ये साफ कर दिया कि वो भय में जी रही हैं और इस तरीके का कानून कहीं ना कहीं भयभीत करता है जन अधिकार पार्टी के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो देखिए गोलबंद होकर जो एनआरसी एनपीआर और सीएए का विरोध कर रही है। अब यहाँ देखिए बहुजन क्रांति मोर्चा के भी कार्यकर्ता जो हैं वो अब यहाँ पर पहुँचे हैं इनसे हम बात करेंगे आखिर कब तक इसी तरीके से विरोध करते रहेंगे जब तक यह सरकार वापस नहीं लेगी वापस नहीं लेगी विरोध चलते रहेगा सीएए एनआरसी एनपीआर क्योंकि संविधान में कहीं भी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं है और हम बहुजन समाज के लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग भी हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे जब तक ये वापस नहीं लेंगे। आप बताइए सत्ता पक्ष तो साफ करिए ये वापस नहीं लिया जाएगा क्या करेंगे? हम लोग वापस लेकर ही रहेंगे कैसे जब तक नहीं होगा जब तक एनपीआर जो भी है वो जब तक नहीं हटेगा हम लोग फिर इसका बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जब तक नहीं वापस लिया जाएगा पाँव पीछे नहीं खींचा जाएगा। आप बोले क्यों खड़े ये तो आइए हो जब लोग नहीं हटेगा जब तक आंदोलन होवे करेगा आज होगा ही अभी इसके बाद ये कार्यक्रम नहीं होने जा रहा है इसके आगे भी कार्यक्रम होगा ही एनपीआर के खिलाफ में है आगे भी इसी तरीके का आंदोलन करते रहेंगे। देखिए पप्पू यादव जो है वो यहाँ पर मौजूद लगातार जो है वो मोर्चा संभाल रहे हैं लगातार जनसभाओं को भी सीए एनआरसी के खिलाफ संबोधित कर रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए ये डाकबंगला चौराहे की है जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता गोलबंद हो गए हैं चौराहे पर और बाहर घूमने तरीके से आने नहीं दिया जा रहा है और इस बार हालांकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में तैनात है और मीडियाकर्मियों का भी जवाबड़ा है। दानवीर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं प्रदर्शन कर रहे हैं कब तक करते रहेंगे दानवीर जी पर ये जब तक सर सीए एनआरसी को लेकर कब तक करते रहेंगे जब तक ये सरकार वापस न ले ले तब तक ये हमारा आंदोलन है जो कि जारी रहेगा देश विरोधी कानून देश विरोधी कानून जो है अराजकता फैला रही है हमारे देश में समाज के
बेटी बचाओ बेटी को सुरक्षा, भारत की घटती अर्थव्यवस्था, ये सब मुद्दों से भटका के जो ये काला कानून ला के नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। इसके इस काले कानून के खिलाफ हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा और ये भारत बंदी करके हम बिहार की जनता को मैंने ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग एकजुट हैं और इसके खिलाफ। इस तरीके का बयान सत्ता पक्ष की तरफ से आना कि जितना भी विरोध हो एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, आप किस तरीके से देख रहे हैं? हिटलर की तानाशाही हमारे देश में नहीं चली थी। जब आदमी जब डूबने लगता है तो फिर किसी तरह है जो कि उसको वापस लेना ही पड़ेगा। ये पूरी तरह से डूब चुके हैं और ये आप वापस लेने को अब मजबूर हो चुके हैं, अब किसी तरह से बहाना खोज रहे हैं, वापस तो लेना ही होगा। हम लोगों का आंदोलन जारी रहे। NRC के खिलाफ पूरे भारत में आपको विरोध और प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मुख्य तौर से हमारा पटना का डकबंगला चौराहा आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने और ये पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहा है। नरेंद्र मोदी अपनी आंखों से देख लीजिए, आपका तानाशाही रवैया नहीं चलेगा, हिटलर शाही नहीं चलेगा। हिटलर का जब घमंड नहीं रहा तो नरेंद्र मोदी कौन सी बड़ी चीज़ है? और पूरा विपक्ष एक साथ एक मुद्दे पे लेके पूरा भारत बंद करने का ऐलान किया है NRC और कैब के खिलाफ। आप भी सड़कों पर हैं, झंडा लिए हुए यूथ, कैसे देख रहे हैं CA NRC? देखिए, सबसे पहली बात तो है, देखिए जब से ये मोदी सरकार सत्ता में आई है तभी ये कहती है हम अल्पसंख्यकों के पक्ष में हैं, और जब ये NRC CA जैसे कानून जब ये पास करते हैं और उसमें एकदम इंडिविजुअली किसी एक धर्म को कहा जाता है हम उसको CA के थ्रू नागरिकता नहीं देंगे, तो ये कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन है। और हम लोग यहाँ से सड़कों पर संविधान के पक्ष में खड़े हैं, संविधान के साथ खड़े हैं। हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम लोग हिटलर को नहीं मानते हैं, हम लोग ये तानाशाह सरकार को नहीं मानते हैं और उसी के खिलाफ आज हम लोग भारत बंद के पक्ष में डाक बंगला चौराहा पर खड़े हुए। जय अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल रखा है सत्ता पक्ष के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, और साफ कहना है CA NRC NPR तो वापस लेना ही होगा। लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। NRC भी नहीं चलेगा और बेरोजगारी भी नहीं चलेगी, NPR भी नहीं चलेगा तो महंगाई भी नहीं चलेगी, CAA नहीं चलेगा तो भूखमरी भी नहीं चलेगी। नहीं, हम लोग जाएंगे NRC, उसको हटाना होगा तो हटाना होगा, चाहे किसी हाल में वो हटाए, नहीं हटाएगा हम लोग आकर गोली मार देंगे। महंगाई वापस लो, वापस लो, वापस लो, NPR वापस लो, वापस लो, वापस लो। हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में जन्म हुआ तो हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चा बच्चा लेके? जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।